रोहन स्टूडेंट्स, सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने अबाउट कंटिन्यूटी इक्वेशन देखा था। आज हम देखने वाले बर्दोली प्रिंसिपल। सो फॉर बर्दोली प्रिंसिपल बराबर। अच्छा, अभी जो बर्दोली प्रिंसिपल है उसके लिए आपको एक इक्वेशन याद रखना है और वो आप डिराइव कर सकते हो। कैसे? सो लेट अस वी आर टेकिंग दैट डेरिवेशन ऑफ दैट बर्दोली एक प्रिंसिपल। सो लेट अस कंसीडर दिस इज अ थिंग व्हाट योर स्ट्रीमलाइन मोशन। यहाँ पे कुछ स्ट्रीमलाइन मोशन है बराबर, ऐसे यहाँ पे आप एरिया और यहाँ पे एरिया मान लो बराबर। क्लियरली दिख रहा है कि एरिया ज़्यादा होगा, ये एरिया कम है। ये आपकी सरफेस है, यहाँ से आप कोई पॉइंट फिक्स करो जिसकी हाइट y1 होगी और उसी हिसाब से यहाँ पे उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, y2 हो जाएगी। प्रेशर की बात करते हैं, सो यहाँ पे प्रेशर मान के चलो p1 है, वेलोसिटी कितनी है v1, यहाँ पे प्रेशर p2, वेलोसिटी कितनी है v2 बराबर। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हम एक छोटा सा पोर्शन मान लेते हैं यहाँ पे, एंड दैट इज अ थिंग बट द लिक्विड पोर्शन। सो यहाँ पे जो लिक्विड होगा उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कौन कौन सा होगा? सो यहाँ पे ड्यू टू वेट एम जी हो जाएगा, यहाँ पे आप प्रेशर मान के चलो पी प्लस डी पी है, और यहाँ पे प्रेशर मान के चलो यहाँ पे पी है। सो इफ यू आर जस्ट डिराइव दिस इक्वेशन ऑफ बर्दोली इक्वेशन, तो कुछ लास्ट आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा जो आपको डायरेक्ट यहाँ पे याद रखना है। दैट इज अ थिंग बट दी फॉर बर्दोली इक्वेशन गेटिंग पी टू प्लस वन हाफ रो वी टू स्क्वेयर प्लस रो जी वाई टू इक्वल्स टू पी वन प्लस वन हाफ रो वी वन स्क्वेयर प्लस रो जी वाई वन। अब यहाँ पे P1 क्या होगा? प्रेशर एट दिस पॉइंट, यहाँ पे जो प्रेशर होगा उसको हम P1 बोल देंगे। रो क्या है? जो यहाँ पे लिक्विड है उसकी डेंसिटी है। व्हाट इज़ V2? अच्छा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, सो यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे P2 आ जाएगा बिकॉज ऑफ द सेकेंड पार्ट और यहाँ पे 1। सो P2 दैट इज़ अ प्रेशर एट दिस लोकेशन, यहाँ पे प्रेशर P2 हो जाएगा। डेंसिटी तो यहाँ पे कि यहाँ पे सेम रहेगी क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है। V2 स्पीड कहाँ पे? एट दिस पोर्शन। रो अगेन सेम, G अगेन कॉन्स्टेंट, ग्रेविटी है 9.8। Y2 की बात करते हैं तो Y2 यहाँ पे इतनी हाइट आपको लेनी पड़ेगी। उसी हिसाब से P1 की बात करो तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? P1 होगा। वेलोसिटी की बात करो V1, और यहाँ से हाइट कितनी हो जाएगी? Y1 हो जाएगी बराबर। ठीक, सो जनरल इक्वेशन हम कुछ ऐसे इसको लिख पाते हैं। दैट इज अ थिंग बट पी प्लस रो जी वाई प्लस वन हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो जनरल इक्वेशन ये होता है। अगर इस इक्वेशन को हम रो जी के साथ अगर हम डिवाइड करें, इफ यू डिवाइडिंग दिस इक्वेशन विथ रो जी, तो ये इक्वेशन क्या बन के आएगा? सो इफ यू आर डिवाइडिंग विथ रो जी आई गेट दिस इक्वेशन P upon rho g plus y plus v square by 2g that coming out constant। वो कितना निकल के आएगा? कॉन्स्टेंट निकल के आएगा। अब यहाँ पे जो P by rho g है उसको हम बोलते हैं प्रेशर है, दिस इज नोन एज प्रेशर है। ये जो y होता है इसको बोलते हैं एलिवेशन है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है इसको बोलते हैं वेलोसिटी हेड, और ये कितना आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो ये इक्वेशन बर्दोली का है जो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका है स्पीड ऑफ इफ्लक्स, स्पीड ऑफ इफ्लक्स। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा इक्वेशन डिराइव करना है वेलोसिटी का। कैसे करोगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे
आपके पास एक वेसल है और यहाँ पे पानी भरा हुआ है। यहाँ पे हम दो एरिया कंसिडर करते हैं, एक ये एरिया मान के चलो और यहाँ पे छोटा सा होल कर देंगे, सो यहाँ पे आपको एरिया मिल जाएगा बराबर। ठीक है, चलो ये जो लिक्विड की हाइट है उसको आप एच मान लो, यहाँ पे जो एरिया उसको आप ए वन मान लो और यहाँ से जो पानी बाहर आएगा ये जो एरिया उसको आप ए टू मान के चलो। सो यहाँ पे एरिया ए वन, यहाँ पे ए टू। सो अगर हम मनमोहन का इक्वेशन अप्लाई करेंगे सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो दैट कम्स आउट पी वन प्लस रो जी वाई वन प्लस वन हाफ रो वी वन स्क्वायर, दैट कम्स आउट पी टू प्लस रो जी वाई टू प्लस वन हाफ रो वी टू स्क्वायर बराबर। अच्छा अब यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा, प्रेशर दोनों साइड इक्वल होगा, सो यहाँ पे आप लिख सकते हो पी वन इक्वल्स टू पी टू इक्वल्स टू पी ए, और यहाँ पे y1 कितना हो जाएगा h हो जाएगा और y2 कितना हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, y2 टू कम्स आउट जीरो। सो इसको हम अगर रिप्लेस करें तो यहाँ पे पी ए प्लस रो जी एच प्लस रो वी वन स्क्वेयर बाई टू, यहाँ पे कुछ निकल जाएगा पी ए प्लस रो वी टू स्क्वेयर बाई टू आ जाएगा। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ए वन वी वन इक्वल्स टू वॉट ए टू वी टू, वी वन कितना निकल के आएगा, सो दैट कम्स आउट ए टू वी टू अपॉन ए वन आ जाएगा। अब ये यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे, सो क्या आएगा जी एच प्लस वन हाफ ए टू बाई ए वन स्क्वेयर वी टू स्क्वेयर इक्वल्स टू वन हाफ वी टू स्क्वेयर। So therefore, you can have GH equals to 1 half V2 square minus 1 half A2 by A1 square V2 square. Get it? Therefore, 2GH equals to V2 square minus A2 by A1 whole square V2 square. सो वी टू स्क्वायर कितना निकल के आएगा, वी टू स्क्वायर वन माइनस ए टू बाई ए वन स्क्वायर इक्वल्स टू कुछ निकल के आएगा टू जी एच आ जाएगा बराबर। तो यहाँ पे अगर हम वी टू स्क्वायर का फॉर्मूला बनाए सो वी टू स्क्वायर कितना निकल के आएगा, टू जी एच अपॉन वन माइनस ए टू बाई ए वन होल स्क्वायर। सो ए टू यहाँ पे बहुत ही छोटा है ए वन से, सो इसको नेग्लेक्ट कर पाएंगे, सो वी टू स्क्वेयर मिल जाएगा टू जी एच मिल जाएगा, सो वी टू आपको मिल जाएगा रूट टू जी एच रूट टू जी एच। सो वेलोसिटी आपको मिलेगी वो कितनी आएगी, रूट टू जी एच, मतलब यहाँ पे सबको वेलोसिटी मिल रही है, यहाँ पर जो वेलोसिटी मिलेगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, हाइट के ऊपर। जितनी हाइट ज़्यादा होगी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जितनी हाइट कम होगी उतनी वेलोसिटी कम होगी। क्लियर, ये आपका टॉपिक था स्पीड ऑफ इफ्लक्स। उसके बाद नेक्स्ट देखते, सो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर बराबर, वेंचुरी मीटर के अंदर एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे एक यू शेप ट्यूब होती है ऐसे इन दिस मैनर बराबर, यहाँ पे लिक्विड भरा रहता है ऐसे और यहाँ पे ये जो हाइट का डिफरेंस होता है उसको मान के चलते हैं हम एच बराबर। अच्छा यहाँ पे लिक्विड भरा रहता है, यहाँ पे जिसका स्पीड मेजर करना है वो लिक्विड होता है। फॉर एग्जांपल ये जो फ्लो हो रहा है लिक्विड का कुछ ऐसा हो रहा है, यहाँ पे हम एरिया ज़्यादा मान के चलेंगे और यहाँ पे एरिया कम ले लेंगे, सो कुछ ऐसा निकल के आएगा ऐसे ऐसे, यहाँ पे एरिया कम है बराबर और ऐसे ये लिक्विड फ्लो कर रहा है। यहाँ पे जो भी एरिया है आप मान के चलो कैपिटल ए है और यहाँ पे जो एरिया वो कितना है, स्मॉल ए। सो अगर हम यहाँ पे यूजिंग वेंचुरी मीटर अगेन यूजिंग सेम कंसेप्ट ऑफ मंडूली एंड टॉरसली लो,
अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करें इस पॉइंट पे, सो वी वन कितना निकल के आएगा, सो वी वन कुछ निकल के आएगा, आपको याद रखना है वी वन इक्वल्स टू अंडर रूट टू रो एन जी एच अपॉन रो, और ये कुछ आएगा ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन, इसका पूरे का वन हाफ माइनस वन हाफ। सो ये जो इक्वेशन आएगा दैट इज टू फाइंड स्पीड ऑफ जो भी लिक्विड जा रहा है उसकी स्पीड कैसे मेजर करोगे, इसके लिए आपको ये इक्वेशन ध्यान में रखना है यूजिंग वेंचुरीमीटर। ये भी इक्वेशन डिराइव कर सकते हो, सिंपल कंसेप्ट है, यू कैन अप्लाई अगेन बर्नौली एज वेल एज वेंचुरीमीटर कंसेप्ट। अब इसमें एप्लीकेशन है फॉर ब्लड फ्लो, यू कैन एक्सप्लेन यूजिंग बर्नौली प्रिंसिपल एज वेल एज हार्ट अटैक की नॉर्मली होता है उसके लिए भी कुछ कंसेप्ट काम में आता है, दैट इज अ थिंग बट दी फॉर बर्नौली इक्वेशन। नेक्स्ट डायनेमिक लिफ्ट की बात करें, दैट इज बॉल मूविंग विदाउट स्पिन, बॉल मूविंग विद स्पिन, मैग्नस इफेक्ट, ये जो इफेक्ट होती है वो सब आप यहाँ से एक्सपीरियंस तो कर पाते हैं। गेटिंग, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक आपका है एंड दैट इज अ थिंग बट दी विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी के अंदर आपको एक छोटा सा इक्वेशन याद रखना है, और वो जो इक्वेशन है वो कैसे आप समझ आप याद रखोगे, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई यहाँ पे लिक्विड है और लिक्विड के अंदर यहाँ पे एक छोटा सा स्फीयर जिसकी रेडियस कितनी है आर है, उसको आपने फ्री फॉल करवाया। अब लिक्विड की कुछ डेंसिटी होगी और इस डेंसिटी की वजह से क्या होगा कि ये जो स्पीड होगी उसमें थोड़ा चेंज आएगा, तो जब भी ये नीचे आता है तो जो ये लिक्विड होता है वो उसका अपोज करता है, अपोजिंग एक फोर्स लगाता है, बस वही फोर्स को हम बोलते हैं विस्कस फोर्स बोलते हैं। और ये फोर्स कितना लगेगा कितना कम लगेगा वो डिपेंड करता है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है तो फोर्स में चेंज आएगा, अगर विस्कोसिटी कम है तो भी जो फोर्स है उसमें नॉर्मली वेरिएशन आता है। सो ये जो फोर्स लगता है स्फीयर के ऊपर वो कितना लगता है, सो याद रखना F इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी, ये इक्वेशन आपको याद रखना है। सो F क्या है, अगेन विस्कस फोर्स, ईटा विस्कोसिटी इसको कांस्टेंट बोलते हैं, कई बार इसका डायमेंशन भी आता है, तो इसको कैसे निकालोगे, ईटा इक्वल्स टू F अपॉन 6 पाई आर, F क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा, आर मतलब कि इसकी रेडियस मीटर, बराबर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, सो न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर, इसका आप डायमेंशन बना सकते हो, न्यूटन के लिए क्या आ जाएगा m1 l1 t-2, सेकेंड के लिए t1 और यहाँ पे आ जाएगा l स्क्वायर आ जाएगा, बराबर इसको हम ऊपर लेके आओ तो क्या बन जाएगा m1 l-1 t-1, सो ये जो बन जाएगा मैंने जो थिंग बन दी विस्कोसिटी जो कॉन्स्टेंट है उसका डायमेंशन बन जाएगा। गेटिंग, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं टर्मिनल वेलोसिटी की बात करते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, जब भी ये स्फीयर नीचे आता है तो उसके ऊपर दो फोर्स लगते हैं, एक उसका वेट फोर्स mg और अपोजिट जो फोर्स लगेगा दैट इज विस्कस फोर्स लगता है। क्या होगा एक टाइम के बाद ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाते हैं, और जब ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे तब ये जो बॉल नीचे आता है जो भी स्फीयर नीचे आता है दैट कम्स विद कॉन्स्टेंट स्पीड उसको बोलते हैं हम टर्मिनल स्पीड, अदरवाइज टर्मिनल वेलोसिटी। इसका इक्वेशन आपको याद रखना है टर्मिनल वेलोसिटी का, ये कुछ इक्वेशन आता है vt इक्वल्स टू 2/9 आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा रो माइनस रो जीरो। यहाँ पे ये तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा 2/9, आर क्या है दैट इज रेडियस ऑफ स्फीयर, जी अगेन कॉन्स्टेंट ग्रेविटी है, ईटा क्या है अगेन दैट इज विस्कोसिटी जो कॉन्स्टेंट हमने निकाला था वो, रो और रो जीरो दोनों डेंसिटी है, रो मान के चलते हैं कि जो स्फीयर है उसकी डेंसिटी है,
तो रे और रो जीरो किसकी हो जाएगी, दैट इज अ थिंग बट द डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसके अंदर ये फ्लो कर रहा है, बराबर। सो ये इक्वेशन आपको याद रखना है। सो इस वीडियो के अंदर यहाँ तक रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।